Assalamualaikum. Today I will discuss about plane of symmetry in ammonia. In my previous video, I already discussed about axes of symmetry or axes of rotation in ammonia. So kindly मेरी previous video को आप review करें. Plane of symmetry को understand करने से पहले आपको previous video देखनी पड़ेगी क्योंकि उसमें मैंने principal axes के बारे में बताया हुआ है. So अगर आप उसको देख लें तो अच्छी बात होगी. अदरवाइज़ मैं यहाँ पे भी ये शो कर देती हूँ कि ये जो सेंटर में है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस था इसका, ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होते हैं जिसमें एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होती है. तो जब यहाँ पे हमने इस पॉइंट को पकड़ के, यानी इधर नाइट्रोजन को पकड़ के इन हाइड्रोजन्स को रोटेट करवाया था, तो यही हमारा बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस बनता था. तो अब हम फाइंड करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री को. ओके, सो इसको मैं कह देती हूँ ये ए हाइड्रोजन है, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको कट किया, ठीक है. इस तरह आपने शो करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए, स्पाइक्स लगा देनी है. इससे ये पता चलता है कि ये चीज़ जो है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो करती है. अब आपने क्या करना है, अब क्या होगा कि ए इधर चला जाएगा और सी इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा. एक दूसरे की पोजीशन पे आया ना, ये देखें ए इधर आ गया. ओके, सबसे पहले आप इसको देखें, ये देखें आपने ना इस ये जो चीज़ है ना इसको फिक्स कर दिया, यानी इधर से आपने कट किया और दोनों साइड्स पे देखिए आपके पास आए तो हाइड्रोजन ही है ना, हाइड्रोजन आया ना. ये बी और सी ये तो बस शो करने के लिए है, हाइड्रोजन तो एक जैसे ही होंगे ना हाइड्रोजन के एटम. इसका मतलब ये है कि आपने नाइट्रोजन और जो ये वाला हाइड्रोजन है इन दोनों को आपने फिक्स कर लिया है और यहाँ से फिक्स करके आपने कट किया है तो दोनों साइड्स पे भी हाइड्रोजन ही आए हैं. ओके, अब तीनों हाइड्रोजन एक जैसे होते हैं, अब हमें नहीं ना पता चलता कि किस हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे रखा है, तो इसलिए हमने डिफरेंस कर लिया है ए बी सी का नाम दे के इसको, ठीक है. तो पहले हमने ए को इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ पर रखा और कट किया और दोनों साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन ही आए हैं, ठीक है. अब देखें नेक्स्ट पे हमने क्या करना है, पहले हमने ए हाइड्रोजन ए वाले हाइड्रोजन को पकड़ के ये सब कुछ किया, कट किया. अब बी को भी कर सकते हैं आप, मैंने सी लिख दिया तो अब हम सी को कर लेते हैं. अब देखें आपने यहाँ पे सी कर दिया है तो ए यहाँ पे चला जाएगा, बेसिकली एक दूसरे की पोजीशन पे आ गया ना, सी ए की पोजीशन पे चला गया. ये देखें ए बी की और बी जो है वो इधर आ गया सी की पोजीशन पे. तो अब देखें अब आपने ना सी वाला जो हाइड्रोजन है उसको पकड़ा है और नाइट्रोजन को और फिर इसको कट किए, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेजेस बन रहे हैं. ये देखें ये किया ना आपने, तो इस साइड पे भी हाइड्रोजन आया, ठीक है, सॉरी इस साइड पे भी हाइड्रोजन आया और इस साइड पे भी आपके पास हाइड्रोजन आया. और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बी है या ए है, ये बस पोजीशन मेंशन करने के लिए है. ये सिर्फ हमें यहाँ पे इस चीज़ में हेल्प कर रहा है कि तीनों हाइड्रोजन एक जैसे थे, हमें नहीं पता चलता कि हमने कौन से हाइड्रोजन को पहले पकड़ा है और फिर इसको मिरर इमेजेस को चेक किया है. ओके, इधर से भी हो गया, सी वाला भी हमने पकड़ लिया, ए वाला भी पकड़ लिया. अब हम यहाँ पर बी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ए. अब आपने क्या करना है, अब फिर से ये ऐसे आप यहाँ से इसको कट कटिंग प्लेन कह लें, रिफ्लेक्शन प्लेन कह रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं. तो ये देखें इस साइड पे भी हाइड्रोजन है और इस साइड पे भी हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है. तो
अब आपने एक चीज़ चेक करनी है दोबारा से कि प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है यहाँ पे। मैंने पहले भी बताया कि यही जो लाइन है यही हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो ये जो हमने ये वाला प्लेन निकाला है, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी आई है, ये उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना। ये देखिए वो भी इस साइड को है और ये भी इसी साइड को है। तो जब वो पैरेलल होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास होती है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि अगर हमने जो कट किया है, हमने जो प्लेन चूज़ किया है, अगर वो प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हमारे पास वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री की दो टाइप्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होती है और एक वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए आपने जो प्लेन चूज़ किया है, तो इसका मतलब आपके पास वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और इसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है, यही प्रिंसिपल एक्सिस है और आपका जो वो है प्लेन है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और ये भी इसी तरह। तो इसका मतलब है कि अमोनिया में तीन वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल, सिर्फ थ्री वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। थैंक यू।